रामनवमी की शोभा यात्रा पर रविवार रात पत्थर फेंकने के विरोध में सोमवार को बूंदी में बवाल हो गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करा दिए। वे आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस मांग को लेकर बूंदी के चौगान दरवाजे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। शहर में कुछ जगहों पर टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मामला रामनवमी के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा में कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि शोभा यात्रा पर अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर फेंके जाने से तनाव बढ़ गया। इस पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने जमकर विरोध किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसे लेकर विरोध कर रहे लोगों ने लंका गेट चौराहा और सूर्यमल मिश्रण चौराहे पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे जाम की स्थिति बन गई और भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इधर बाजार बंद होने से बूंदी में खरीदारी कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि रविवार रात को बूंदी में रामनवमी के शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के मीरा गेट सर्किल पर पहुंचने पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। इससे माहौल गर्मा गया था। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लोगों के साथ समझाइश में जुटे रहे। शहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेने से लोगों ने सोमवार दोपहर को कोतवाली थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठियां भी चलानी पड़ी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले रखा है।